वह प्रतिशत पर बात करता हूँ, ठीक है ना। तो आगे चलता हूँ, कल इससे पहले आप बताए थे, आगे चलता हूँ। जैसे कि बुआ क्वेश्चन आता है तुम्हारा 20 पैसा, 20 पैसा बराबर 1 रुपया का 10% कितना होगा, क्या होगा, कितना होगा, समझ रहा है, आ रहा है, समझ रहा। 20 पैसा बराबर 1 रुपया का 10% यानी बराबर प्रतिशत, क्या होता है, क्या होता है, देख रहा हुआ। तो क्या है, 1 रुपया का कितना, 1 रुपया का है बुआ, पैसा में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसमें पैसा में प्रतिशत निकालना है ना। तो क्या करना, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है ना। तो 1 रुपया का पैसा में प्रतिशत करना, अरे पैसा कितना है 100, 20% है, जो है 20 पैसा प्रतिशत का अर्थ होता है 100%, का अर्थ होता है 100। यह जो रुपया है ना, हम पैसा में बदल देंगे, कन्वर्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 पैसा गुना 20 पैसा बटे 100। अब जो है पैसा हटा दूंगा, गुना 20 बटे 100, 100 100 कट जाएगा, अरे आ जाएगा 20%। आंसर मेरा आ जाता है कितना प्रतिशत, 20%, कितने प्रतिशत, 20% आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बुआ, अब आता है, मान लो 1 सप्ताह, अरे देखो 3 दिन बराबर 1 सप्ताह, सप्ताह 1 सप्ताह का 10 दिन प्रतिशत, 10 दिन का प्रतिशत, अरे बुआ दिन को जो है ना बुआ, सप्ताह के दिन में प्रतिशत निकालना, सप्ताह को दिन में प्रतिशत निकालना है, तो कैसे निकाल लेगा, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 1 सप्ताह बराबर 7 दिन होता है, 7 दिन होता है, करना है क्या, देखो तो 1 सप्ताह का अर्थ होता है गुना, तो गुना दिन, यानी 3 दिन प्रतिशत निकाला, तो प्रतिशत का अर्थ होता है 100 होता है, 100 नीचे लिखना, 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 गुना हो जाएगा 3 बटे 100, यानी हो जाएगा इसको, अब कट नहीं रहा, कट तो नहीं रहा है, तो ऊपर से गुना कर दूंगा, 7 21 बटे 100, अरे नीचे 10 सुना है ने, इसका करूंगा हार दे दूंगा, तो 2 अंक के बाद जो है 0.21% दिन, समझ गया। अब सेकेंड के बारे बताता हूं बुआ, किसके बारे, सेकेंड के बारे, मान लो बुआ तुम्हारा 30 सेकेंड बराबर 1 घंटा
घंटा का बराबर 10 सेकेंड प्रतिशत। एच जो है सेकेंड, एच क्या है, यह सेकेंड है, एच जो है घंटा, एच सेकेंड है, एच तुम्हारा क्या है घंटा। तो कार का प्रतिशत सेकेंड में निकालना, क्या में निकालना है, सेकेंड में। तो देखो कैसे निकालना है, तो 30 सेकेंड गुना ऐसे, यानी एक घंटा गुना 30 सेकेंड। अब प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, 100। एक घंटा में कितने सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड होता है, कितना होता है, मिनट पूछेगा तब बताना, 60 होता है। जैसे देख लो, एक घंटा बराबर 3600 सेकेंड, एक घंटा बराबर 60 मिनट, मिनट पूछेगा 60 और सेकेंड पूछेगा 36। तो 3600 सेकेंड गुना 23 बटे 100, 00 कट जाएगा। अब इसको गुना कर दूंगा, क्या कर दूंगा, इसको गुना कर दूंगा, इतना हाई क्वालिटी में नहीं लेना होगा, इसमें जो है यहाँ कर दो 3 सेकेंड, कितने सेकेंड कर दो, 3 सेकेंड, यहाँ 3 सेकेंड उतर दो, मैं ज्यादा आ जाता सोच से ज्यादा, तो हुआ इसको गुणा कर दो, 6 3 18 के 8, 3 3 9 एक 10, ये भी ज्यादा हो रहा है ना। तो इसमें ज्यादा जो है ये सेकेंड वाला जो कंफ्यूज कर इसमें फंस जाएगा, क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। चलो ये उतार लो, उतार